मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस ने रोड किनारे खड़ी एक कार से 3 बड़े बॉक्स में नशे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कफ सिरप बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया है कि तीनों बॉक्स में करीब 720 बोतल कफ सिरप है। जिस कार से कफ सिरप बरामद किया गया है उस पर ठाणे महानगर पालिका का स्टिकर भी लगा हुआ है। दरअसल मुंब्रा पुलिस के डिटेक्शन ब्रांच के राजपूत को गुप्त जानकारी मिली कि मुंब्रा के सम्राट नगर से मुंब्रा बाईपास जाने वाले रास्ते पर 2 दिन से एक कार खड़ी है जिसमें नशे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली कफ सिरप है। जानकारी मिलने के बाद मुंब्रा पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जब कार का लॉक तोड़कर चेक किया गया तो पीछे की डिग्गी में 3 बड़े बॉक्स मिले जिसमें कफ सिरप बरामद किया गया है। मुंब्रा पुलिस ने कार और कफ सिरप दोनों जब्त कर लिया है और अब पता लगाने में जुटी है कि आखिर ठाणे मनपा का स्टिकर लगा हुआ ये कार किसका है और नशीले पदार्थ की तस्करी में कितने लोग शामिल है। इस संबंध में मामला दर्ज कर मुंब्रा पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है। फोटो ले रहे हो कि शूटिंग ले रहे हो? शूटिंग ले रहे हो।